लानाशाही, नहीं चलेगी लानाशाही, नहीं चलेगी लानाशाही, नहीं चलेगी लानाशाही, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं TTI न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के आह्वान पर किसान बिल के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ गोवर्धन में अलवर मथुरा मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को थाना पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले आई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानूनों के विरोध में मंगलवार को भारत बंद के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने गोवर्धन सौक अड्डा मथुरा अलवर मार्ग पर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी, किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष वेदवीर चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। लक्ष्मण चौधरी ने बताया कि केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार ने किसान विरोधी बिल पास कर उद्योगपतियों को लाभ दिया है। किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर देश भर में किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी है। किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया गया तो किसान आंदोलन जारी रखेगा। वेदवीर ने कहा कि पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर किसानों को गिरफ्तार कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। पुलिस ने अमित पाठक, वेदवीर सिंह, योगेश कुंतल, लक्ष्मण चौधरी, कपूर सिंह, हरवीर चौधरी, सुनील ऋषिकपाल, रामू कृष्णवीर सिंह, सत्यभान पहलवान को हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय जाट एकता संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का समर्थन किया है। हम यहाँ पर गोवर्धन में भारत बंद का बंद करने के लिए आए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के पदाधिकारी हैं और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और सभी किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर गोवर्धन में प्रदर्शन किया है। और हम तानाशाही भाजपा सरकार को, केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार को ये दिखा देना चाहते हैं कि हमारे बिल वापस होने चाहिए। अगर हमारे बिल वापस नहीं हुए तो हम इसी तरह सड़कों पर अपनी जान दे देंगे, हटेंगे नहीं, मरेंगे, हटेंगे, हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन। आप देख रहे हैं TTI न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के आह्वान पर किसान बिल के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ गोवर्धन में अलवर मथुरा मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को थाना पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले आई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानूनों के विरोध में मंगलवार को भारत बंद के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने गोवर्धन सौक अड्डा मथुरा अलवर मार्ग पर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी, किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष वेदवीर चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। लक्ष्मण चौधरी ने बताया कि केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार ने किसान विरोधी बिल पास कर उद्योगपतियों को लाभ दिया है। किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर देश भर में किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी है। किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया गया तो किसान आंदोलन जारी रखेगा। वेदवीर ने कहा कि पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर किसानों को गिरफ्तार कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। पुलिस ने अमित पाठक, वेदवीर सिंह, योगेश कुंतल, लक्ष्मण चौधरी, कपूर सिंह, हरवीर चौधरी, सुनील ऋषिकपाल, रामू कृष्णवीर सिंह, सत्यभान पहलवान को हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय जाट एकता संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का समर्थन किया है। हम यहाँ पर गोवर्धन में भारत बंद का बंद करने के लिए आए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के पदाधिकारी हैं और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और सभी किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर गोवर्धन में प्रदर्शन किया है। और हम तानाशाही भाजपा सरकार को, केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार को ये दिखा देना चाहते हैं कि हमारे बिल वापस होने चाहिए। अगर हमारे बिल वापस नहीं हुए तो हम इसी तरह सड़कों पर अपनी जान दे देंगे, हटेंगे नहीं, मरेंगे, हटेंगे, हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन।